यूपी के बलिया में बांसडीह क्षेत्र अंतर्गत भाजपा से सलेमपुर के लोकसभा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के द्वारा आयोजित विजय लक्ष्य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। 2019 चुनाव में नेताओं के द्वारा दिए जा रहे एक बाधिक विवादित बयानों में फंसे सपा नेता आजम खान के बयान पर कहा कि महिला पर अभद्र टिप्पणी करने वाले ऐसे व्यक्ति को चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि इनके चुनाव पर रोक लगा देनी चाहिए। वहीं अखिलेश यादव और मायावती को इस पर सफाई देना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर बोले कि राजभर हमारे साथ हैं। सपा नेता आजम खान द्वारा भाजपा नेत्री जया प्रदा पर विवादित बयान देने पर बोले कि शीर्ष नेतृत्व के पद से अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को हटा दिया है। अखिलेश यादव को सफाई देनी चाहिए, मायावती को सफाई देनी चाहिए। एक महिला का इस प्रकार से अभद्र शब्दों में सपा कितने बड़े नेता ने आचरण किया है तो वह नारी का विरोधी भी है और ये नारी का अपमान करने का विषय है। उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, कार्रवाई जो होनी है हो रही है, लेकिन हम चुनाव आयोग से अनुरोध करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से ही रोक देना चाहिए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य से जब पूछा गया कि आपके सहयोगी पार्टी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के 6वें-7वें चरण में अपने पार्टी से 25 प्रत्याशियों को उतारे जाने की घोषणा की है, जिसके सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे। भ्रष्टाचार से मुक्त और आतंकवाद से मुक्त और विकास से युक्त भारत बनेगा, यह हमें पूरा विश्वास है। गृह मंत्री जी, जिस तरह से आजम खान ने जया प्रदा को विवादित टिप्पणी किया है तो क्या शीर्ष नेतृत्व तो सामने आना चाहिए, मुलायम सिंह को अगर सफाई देनी चाहिए? शीर्ष नेतृत्व के पद से मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव जी ने पहले हटा दिया। अखिलेश यादव जी को सफाई देनी चाहिए, मायावती को सफाई देना चाहिए। एक महिला का इस प्रकार से अभद्र शब्दों में अगर सपा कितने बड़े नेता ने इस प्रकार का आचरण किया है तो वह नारी का विरोधी भी है और यह नारी का अपमान करने वाला विषय भी है। उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, कार्रवाई जो होनी है हो रही है, लेकिन हम चुनाव आयोग से जरूर आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को तो चुनाव लड़ने पर ही रोक। योगी पार्टी मुझे लगता है कि ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।